भाइयों और बहनों, कई लोगों ने कहा लेकिन इसको तो देश का बच्चा बच्चा बिलबिला के कह रहा है कि लाल किले पे नरेंद्र मोदी को ले जाना है। टीवी चैनल कह रहे हैं जितना मतदान हो रहा है वो कह रहे हैं, जितनी रायशुमारी हो रही है वो कह रहे हैं, और करीब करीब ये तय है कि लाल किले पे नरेंद्र मोदी पहुंचे। लेकिन दिल्ली के रास्ते में जयपुर पड़ता है, सीधे दिल्ली नहीं जाया जाता, दिल्ली जाने के लिए जयपुर से होके जाना पड़ता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि वसुंधरा जी का कामयाब होना नरेंद्र मोदी के कामयाब होने के लिए बेहद जरूरी है। इस बात को समझ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। अभी मुझे जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि मैं चौधरी साहब के साथ था, मैं चौधरी साहब की पार्टी में था, जनरल सेक्रेटरी था, एमएलए था, एमपी था, उनकी बहुत सी बातें किसानों के सिलसिले में मुझको याद आती हैं। लेकिन एक बात कहते थे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चरण सिंह जी कहते थे कि किसान को एक आंख अपने खेत पे रखनी चाहिए और एक आंख उसको दिल्ली और जयपुर की गद्दी पे रखनी चाहिए। और जब वो ये बात कहते थे तो उनका एक कहना था कि जयपुर और दिल्ली में अगर तुम्हारा आदमी होगा तो तुम्हारे हक के कानून बनेंगे, और अगर तुम्हारे हक का आदमी नहीं होगा तो तुम्हारे खिलाफ कानून बनेंगे। और इतिहास इस बात का गवाह है, चौधरी छोटू राम लाहौर में बना, सारे पंजाब के किसानों के कर्जे माफ करके जमीनें छुड़ा दी, देवीलाल बने सबके कर्जे माफ हो गए, इसी तरह से चरण सिंह बने जमींदारी एवोल्यूशन हो गया और लाखों लाख काश्तकार जमीन के मालिक हो गए। और जब अटल जी बने, नितिन गडकरी जी ने मुझे बताया कि मैं देश में ग्रामीण सड़कों का एक योजना लेके उनके पास गया, उन्होंने सेक्रेटरीज को बुलाया, सेक्रेटरी लोगों ने कहा कि हमसे क्या मतलब, ये तो राज्य सरकारों का काम है। अटल जी ने कहा प्रधानमंत्री आप हो के मैं हूँ, उन्होंने कहा हुजूर आप हैं, अटल जी ने कहा कि मेरी कलम इन गांव वालों के काम नहीं आएगी तो मुझ पे लानत है, जाइए सड़कें बनेंगी। और सारे देश में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें बनी, और आपको जान के हैरत होगी कि मेरे अपने गांव में भी जो सड़क है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना की बनी हुई। ये जो एशियाड हुआ था आज से 20 साल पहले, चरण सिंह जी ने हमको बुला के कहा कि ये इंदिरा गांधी एक हफ्ते में 600 करोड़ रुपए की होली खेलने वाली, एशियाई खेल करा रही है, 60 करोड़ रुपए में भाखड़ा नंगल का बांध बना था, 600 करोड़ में 10 बांध बनते थे, लेकिन इंदिरा गांधी की प्रायोरिटी, इंदिरा गांधी के लिए जरूरी बांध नहीं था, खेल थे। 6 दिन में 600 करोड़ रुपया खर्चा हो गया, मेडल एक भी नहीं जीते। मैं इस बार देख रहा था जब ये कॉमनवेल्थ गेम हुए, प्रणब मुखर्जी के बजट में सारे देश के किसानों की सिंचाई के लिए सिर्फ 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान था और सुरेश कलमाड़ी की लूट के लिए 17000 करोड़ का प्रावधान था। और अर्जुन मेघवाल जी ने मुझे बताया कि वो 17000 करोड़ 74000 करोड़ पे जाके रुके। तो आपसे इनका कोई रिश्ता नहीं, आपसे इनका कोई लगाव नहीं है, चाहे वो गहलोत हो या सोनिया गांधी। जब तक आपका आदमी नहीं बैठेगा तब तक आपके तकदीर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फसल के दामों का सवाल भी यहाँ उठाया गया, मैं नहीं जानता यहाँ कितने नौजवान जानते होंगे, पर बुजुर्ग जानते हैं कि छोटू राम एक आदमी हुए हैं। छोटू राम पंजाब में मिनिस्टर थे, वायसराय से मिलने आए थे, वायसराय ने कहा कि विश्व युद्ध चल रहा है, मुझे गेहूं की जरूरत है। छोटू राम जी ने कहा कि फसल बहुत बढ़िया है, पंजाब जितना गेहूं कहेंगे आपको दे देगा। वायसराय ने कहा कि मुझे 6 रुपए मन पे गेहूं चाहिए। छोटू राम जी ने कहा कि दाम आप तय नहीं कर सकते, दाम मैं तय करूंगा, मैं 8 रुपए मन से कम पे गेहूं नहीं दूंगा। वायसराय ने धमकी देते हुए कहा कि मैं फौज भेज के गेहूं इकट्ठा करा लूंगा। छोटू राम जी ने कहा मैं कार से लाहौर जा रहा हूँ, मैं पंजाब के किसानों को कहता हुआ चला जाऊंगा, खेत में खड़ा जला देना लेकिन एक दाना अंग्रेज को नहीं देना है।
वायसराय ने सर सिकंदर हयात खां को बुलाया जो उनके प्रधानमंत्री थे और उनसे कहा कि छोटू राम ऐसा ऐसा कह के गए हैं। सिकंदर हयात खां ने कहा कि कहा नहीं, वो ये काम कर देगा। लेकिन अफसोस की बात है, आज भी फसल का दाम वायसराय तय कर रहा है, छोटू राम तय नहीं कर रहा। देश में फसल का दाम आज भी हमारी मांग के मुताबिक नहीं मिलता। 60 साल में कपास के दाम एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन ने बताया कि हम 20% कम करके इसलिए देते रहे हैं कि हमारे कपड़ों के कारखाने चलते रहें। और नतीजा हुआ है कि आप चौधरी साहब हैं, आपके यहाँ जमीन भी उतनी है, पैदावार भी उतनी है, लेकिन रोज गरीब हो रहे हो, आपको पता भी नहीं है कैसे हो रहे हो। 10 साल पहले एक क्विंटल बाजरे में जितना सामान लाते थे, आज उसका आधा सामान लाते हो। ये है सरकारी साजिश, इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो सवाल है, मैं अभी जो नरेंद्र मोदी की टीम बनी है उसमें मैनिफेस्टो कमेटी का मेंबर हूं, और मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ प्रेस के सामने कह के जाना चाहता हूं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम किसान को उसकी फसल का दाम उसकी मेहनत के ऊपर 50% जोड़ के देंगे। ये तो मैं कह रहा हूं, इसकी तो सहमति पार्टी में बन चुकी है, लेकिन गडकरी जी का कहना है कि नहीं, लागत पे 100% जोड़ के देना चाहिए, तब किसान की भरपाई होगी। हम किसानों को सरकारी और सहकारी बैंकों से 0% ब्याज पे कर्जा देंगे, और आज हम दो सरकारों में ऐसा कर रहे हैं। आज हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन दोनों सरकारों में कर्जा 0% पे दे रहे हैं। दिल्ली में आए तो देंगे। बीमे का जहां तक सवाल उठाया, हम बीमा 3 साल का हिसाब लगवाएंगे किसान की आमदनी का, और उसके मुताबिक उसकी 1 साल की आमदनी का हिसाब लगा लेंगे, और उसको हम जब भी कोई नुकसान होगा तो जो उसकी पूरे साल की पैदावार है उतना मुआवजा देंगे, ये भी हमने तय किया है। आखिर में दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं। वसुंधरा जी क्यों आनी चाहिए? जो देश का राजा ईमानदार नहीं होता वो देश गुलाम हो जाता है। वसुंधरा जी को मैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री मानता हूं। दिल्ली में मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है सिद्धार्थ श्रीराम, उसने मुझे बताया ये जो होंडा कंपनी है इसमें उसका हिस्सा था। होंडा कंपनी की भिवाड़ी में फैक्ट्री लगाना चाहते थे, गुजरात में भी बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी बात कर रहे थे। वसुंधरा जी को पता चला, उन्होंने टेलीफोन किया, खुद टेलीफोन किया, और ये कहा कि सिद्धार्थ सुना तुम फैक्ट्री लगाना चाहते हो, कि जी हाँ, कुछ 1000 करोड़ की फैक्ट्री है। वसुंधरा जी ने कहा कि मेरी स्टेट में आओ, और भिवाड़ी में वो फैक्ट्री लगाई। सिद्धार्थ का ये कहना है कि एक भी पैसा हमको कहीं रिश्वत का नहीं देना पड़ा। अगर वही फैक्ट्री कांग्रेस के राज में लगती तो गहलोत दिल्ली जाते, इंदिरा गांधी से पूछते कितना आपके लिए लेना है, कितना सोनिया गांधी से पूछते कितना आपके लिए लेना है, कितना AICC के लिए लेना है, कितना मुझे रखना है, कितना चुनाव के लिए रखना है, और बिना पैसे के वो फैक्ट्री नहीं लगती। बेईमानी की क्या क्या कांग्रेस की बात बताई जाए। मुझे तो अभी आखिर में वो बात बता रहा हूं, मैं एक उर्दू के अखबार में मैंने पढ़ा, भोपाल की एक बुढ़िया औरत, उसने बहुत तंग आके लिखा कि मेरा बेटा बहुत नालायक है, मैं चाहती थी पढ़ जाए, नहीं पढ़ा। मैंने कहा कोई कारोबार कर ले, मैं गहने बेच दूंगी, नहीं माना। मैंने कहा तेरा मामा जबलपुर में बीड़ी की फैक्ट्री में काम करता है, वो नौकरी दिला देगा, उस पे भी राजी नहीं हुआ। अब तो मैंने तंग आके उसे ये कह दिया कि बेटा यूथ कांग्रेस में चला जाए, कुछ तो लेके आएगा, शाम खाली हाथ नहीं लौटेगा, कुछ ना कुछ लेके आएगा। ये संस्कृति कांग्रेस ने बना दी है पूरे देश की, इसको बदलने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए, किसान परस सरकार बनाने के लिए वसुंधरा जी को ताकत में लाओ। और जोधपुर जिले के लोगों से कहना चाहता हूं, पिछले 60 साल में राजस्थान में कांग्रेस ने किसानों को हरा चारे की तरह चीफ मिनिस्टर की गद्दी दिखलाई और हर बार अपमान किया, और इन्हीं का नहीं किया, चरण सिंह को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, देवीलाल को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, नाथुराम मिर्धा को कांग्रेस छोड़नी पड़ी। कौन नेता नहीं है जिसको कांग्रेस नहीं छोड़नी पड़ी, और जो जो छोड़ता चला गया वो बनता चला गया।
लेकिन जो रह गए उनको बनाना तो अलग, नाम चुनाव उनके नाम पे लड़ते थे और मुख्यमंत्री दिल्ली से किसी सोनिया गांधी के भी नहीं, सोनिया गांधी के किसी प्यादे की जेब में से नाम आ जाता था वो मुख्यमंत्री बन जाता था। और अब की तो ये किया है कि किसान जातियों के सब नेताओं को नष्ट कर दो, इनको जेल में भेज दो, इनकी इमेज खराब कर दो, इनको आपस में लड़ा दो, किसी लायक नहीं छोड़ा है। अभी वो रिफाइनरी का बहन जी जिक्र कर रही थी, इतना झगड़ा लगवा दिया है बाड़मेर में जिसकी कोई सीमा नहीं, और उस रिफाइनरी से कुछ होना नहीं। मेरे यहाँ मथुरा में रिफाइनरी है, मैं बस में ले जा सकता हूँ एयर कंडीशन में बिठा के, आपको जाके देख लो रिफाइनरी में सारे लोग बाहर के काम करते हैं, हमारे यहाँ के लोग सिर्फ चाय की दुकान करते हैं। तो मैं बहुत लंबा मैंने समय लिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।